नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में एक बार फिर आज हमारे सामने पर्यटन मंत्री दिनेश धने। धने जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धने जी, ऐसी कौन सी ताकत आपके पास है पूरे प्रदेश कांग्रेस के संगठन को हिला रखा है? मैं ऐसी कोई ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर उसको ताकत कहते तो वो जनता का आशीर्वाद है और जनता का स्नेह और जनता का सपोर्ट है। सिर्फ जनता का आशीर्वाद या सरकार का भी समर्थन है जो कांग्रेस का संगठन आपके सामने कमजोर पड़ जाता है? देखिए, सरकार का की जो ताकत है, मैं समझता हूँ वो जो सरकार पक्ष के लोग हैं वो एक एक जो संगठन पक्ष और सरकार का जो पक्ष के जो लोग हैं वो अंतिम व्यक्ति बहुत मजबूत व्यक्ति है। इसलिए आप किसी एक विधायक को और एक मिनिस्टर को आप नहीं कह सकते ऐसी कौन सी शक्ति है। मैंने कहा कि जिस दल की सरकार है और जो सरकार में सम्मिलित दल के लोग हैं उनका जो अंतिम व्यक्ति जो गांव में बैठा, जो उनका अंतिम कार्यकर्ता, जो प्राइमरी मेंबर है जो उनका, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। कहा तो जा रहा है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की लड़ाई है और दिनेश धने उसमें मोहरा है। देखिए, वो पार्टी का अंदरूनी मामला। दिनेश धने न तो किसी संगठन का सदस्य है और दिनेश धने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर आया और दिनेश धने को किसी की आवश्यकता नहीं थी। जिसको आवश्यकता थी दिनेश धने की थी। दिनेश धने की आवश्यकता थी। विजय बोगुणा आपको दिल्ली 10 जनपद लेकर के गए थे, अब वो भाजपा में है, ये मसला एक अलग है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार पीडीएफ पर जब सवाल कांग्रेस उठाती है, खासतौर पर किशोर उपाध्याय उठाते हैं, तो उसके पीछे या उसके सामने अगर कोई वजह होती है, अगर कोई नेता होता है पीडीएफ का, तो वो सबसे आगे दिनेश धने होता है। क्या टिहरी में ऐसी कौन सी जंग आप में किशोर उपाध्याय में छिड़ गई कि पीडीएफ और कांग्रेस में गाहे बगाहे हर दूसरे दिन मोर्चा खुल जाता है? नहीं, ये तो उन लोगों को सोचना है कि जो किसी एक किसी सीट विशेष को लेकर इतना फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर केवल एक सीट से अगर किसी के संगठन को बहुमत मिलता है टिहरी की सीट से, तो मैं समझता हूँ बेशक उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक टिहरी के अलावा 69 सीट्स और भी है जहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है और सरकार को बहुमत मिलाया जा सकता है। आपको लगता है यानी कि प्रदेश अध्यक्ष वो सिर्फ अपनी सीट के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा। मैंने कहा कि टिहरी सीट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा। टिहरी सीट किशोर उपाध्याय की है, किशोर उपाध्याय हारे थे आपसे। ऐसी क्या बात है कि उस सीट को फोकस किया जा रहा? क्या संगठन ने किसी एक व्यक्ति को इतनी ताकत दे दी हो कि 69 सीटों को छोड़कर केवल एक ही सीट पर ध्यान दे? नहीं, क्या वजह? क्योंकि किशोर उपाध्याय की सीट रही है टिहरी, पिछला चुनाव उन्होंने आपके हाथों हारा है, तो इसलिए वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, ये इस वजह को ढूंढने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम जनता का, जो जनादेश मुझे मिला, जो जन भावनाएं मेरे साथ थी, जो जन आकांक्षाएं मेरे साथ थी, मैं उनको पूरा करने का मेरा दायित्व है। मेरा ये दायित्व नहीं कि कोई व्यक्ति एक जगह को फोकस करते हुए पूरे संगठन को अगर लाकर केंद्र बिंदु एक जगह करे, तो ये ध्यान उनकी पार्टी का है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि पीडीएफ की स्थिति साफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ हरीश रावत ने कहा कि चलिए दिनेश धने जी टिहरी के अंदर टिहरी महोत्सव के दौरान कैबिनेट की बैठक करिए। ये आपकी ताकत तो है? नहीं, देखिए, मैंने पूरी कैबिनेट से निवेदन किया। मैं भी कैबिनेट का एक सदस्य हूँ और पीडीएफ के लोग भी इसमें सदस्य हैं। और टिहरी जो झील है, 125 गांव के डूबने के बाद जो अस्तित्व आई है, तो निश्चित तौर पे वो देश और विदेश में एक नया पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। तो मैंने अपने कैबिनेट के साथियों से निवेदन किया कि आप आइए और आप अगर वहाँ पर एक कैबिनेट करते हैं तो निश्चित तौर पे देश और दुनिया का एक ध्यान जाएगा वहाँ पे कि कहाँ पर ये कैबिनेट हो रही है और ये कैबिनेट किस रूप में हो रही है। इससे आपको ताकत मिलेगी? देखिए, मुझे व्यक्तिगत ताकत, इस प्रदेश को ताकत। वहाँ पर कैबिनेट का मीटिंग होने का मतलब दिनेश धने को ताकत देना नहीं है। कैबिनेट वहाँ पर होने का मतलब ये है कि जो पर्यटन की जो गतिविधियाँ, जो हम वहाँ पे गतिविधियाँ करने जा रहे हैं, जो हम देश दुनिया के जो इन्वेस्टर को हम बुलाने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या पर्यटन के क्षेत्र हो सकता है, उनका ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। टिहरी में बैठक है तो क्या किशोर उपाध्याय को कहीं बैठक के साइडलाइंस में बुलाएंगे? देखिए, मैंने कहा किसी व्यक्ति विशेष की बात है, ये हर प्रदेश के नागरिक के लिए गर्व की बात है कि उनके प्रदेश में एक ऐसा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है जिसको कि मैं समझता हूँ कि जिसका प्रचार प्रसार करना हर नागरिक का कर्तव्य है। दिल्ली तक मामला इस बार चला गया। पीडीएफ ने दो टूक कांग्रेस आलाकमान को बताया कि यहाँ प्रदेश में हम कांग्रेस को क्राइसिस से बचाते हैं, उसका साथ देते हैं, और यहाँ गाहे बगाहे पीडीएफ के नेताओं को कांग्रेस के संगठन का कोई भी नेता निशाने पर ले लेता, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, हमने मैं किसी राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं मिला। पीडीएफ ने जरूर मंत्री प्रसाद नेतानी जी को अधिकृत किया है कि आप बात करें अगर आपको उचित लगता है, क्योंकि ये 3 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस की लड़ाई अब
भाजपा से ना होकर या मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी से ना होकर केवल पीडीएफ के 3 लोगों से तक सिमट गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसको दुर्भाग्य इसलिए भी मानता हूँ कि जिन लोगों ने पार्टी को आज सींचा है, खड़ा किया, जिसका आज अस्तित्व बचा है, क्योंकि जिस ढंग से बीच में घटनाक्रम हुई और जिस ढंग से हमने शुरुआत में अगर कोई पहला कोई व्यक्ति था जो कांग्रेस की तरफ जिसने हाथ बढ़ाया वो दिनेश धने थे, और आज दिनेश धने और पीडीएफ की बदौलत हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता आज सर उठाकर चल रहे हैं और विभिन्न जगह विभिन्न राजनीतिक पदों पर और सामाजिक पदों पर और संवैधानिक पदों पर काबिज हैं। लेकिन कांग्रेस की तो शिकायत है कि पीडीएफ के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुन चुन के अपमानित करते हैं। आप भी करते हैं क्या अपमानित? मैंने कहा ना कि आज हाई कोर्ट से लेके जिला की अदालतों में जितने वकील कांग्रेस के नियुक्त हुए हैं और जितने कॉपरेटिव सेक्टर में नियुक्त हुए हैं, जितने अर्बन नगर पालिकाओं में नियुक्त हुए हैं, जितने दुग्ध समितियों में नियुक्त हुए हैं, जितने सरकार की समितियों में, मंदिर समितियों में, जहाँ भी नियुक्त हुए हैं, अगर ये नियुक्तियाँ अपमानित इनको करती है तो वो अपमान हमने किया है। यानी कि कोई कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का अपमान पीडीएफ के नेताओं ने, मंत्रियों ने, आपने नहीं किया है? नहीं, ये प्रदेश की जनता जान रही किसका अपमान कर रहा है। पीडीएफ के लोगों ने जब बुरे समय में साथ दिया तब ये लोग स्वागत कर रहे थे, और आज जब मतलब निकल गया फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो रहा। कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा एक व्यक्ति, एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिसमें ये सिद्ध हो जाए कि ये अपमान किया जा रहा है पीडीएफ के द्वारा। कांग्रेस आलाकमान से कुछ आश्वासन मिला, मजबूत आश्वासन, भरोसा कुछ मिला आप लोगों को? कब आगे अपमानित नहीं करेगा कांग्रेस संगठन? जो शीर्ष नेतृत्व और जिम्मेदार नेतृत्व है, मैं गैर जिम्मेदार लोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी बात उनसे भी बाकी बीच में वो कौन सी कड़ी है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी कड़ी बीच में है कि जो सोनिया गांधी से ऊपर और माननीय जो राहुल गांधी इनसे ऊपर कोई कड़ी है। तो अगर ऐसी कड़ी कोई हमको दिखती तो हम निश्चित तौर पर उनसे बात करते। यानी किशोर उपाध्याय से बात करने की जरूरत नहीं? देखिए, हमने कहा कि हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और माननीय मुख्यमंत्री है और जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हमारी उनसे बात हुई है। नीचे हम कौन क्या कर रहा है उनको अगर कोई शिकायत है हमसे तो हमारे पास आए, हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन वो आए हैं। यही तो किशोर उपाध्याय कहते हैं कि मैं प्रदेश में पार्टी का मुखिया हूँ, यूपीए बना, एनडीए बना, तो जो बड़ा दल होता है उसका अध्यक्ष है वो, उसका एक तरह से उस घटक का, उस पूरे गठबंधन का एक तरह से मुखिया होता है। तो इस तरह से मेरे पास पीडीएफ के लोग हैं, आप कहते हैं कि किशोर उपाध्याय हमारे पास चल करके आए? हमने कहा ना, हम बीच में किसी को नहीं जानते हैं, हमारी जिनसे बात ही नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि कोई स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा कि वो बन जाए, उनको कांग्रेस ने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, वो अपने दल से पूछे, वो हमारे कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारे कोई नेता नहीं है, हम उनको जानते नहीं है। हमारा संबंध राष्ट्रीय नेतृत्व से और हमने समर्थन राष्ट्रीय नेतृत्व दिया और सरकार को दिया है। किशोर उपाध्याय की कैसी स्थिति बनेगी कि पीडीएफ के जो 6 विधायक हैं पीडीएफ के फ्रंट के नीचे, वो समर्थन कांग्रेस की सरकार को दे रहे हैं, सरकार में बैठे, लेकिन प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष को कहते हैं हम उनको जानते नहीं? नहीं, वो अपनी, मैंने तो कहा उनकी स्थिति तो समझ में आ गई। हमने सरकार चलाने का जो हमारा धर्म था हम वो धर्म निभा रहे हैं। हमने किसी को कोई वचन नहीं दिया कि हम उनका किसी का संगठन चलाएंगे, किसी का दल चलाएंगे। दल चलाने की जिम्मेदारी उनके लोगों में, वो चलाएं किस तरह अपने दल को चलाते हैं वो उनका दायित्व है। अपने दल को चलाने के लिए जो उनसे बन पड़ता वो करें, अगर उनको अपने दल कहीं कमजोरी नजर आ रही तो दूर करें, उनको किसी ने उनके हाथ नहीं रोके हैं। क्या कमजोरी, जो दल की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए पीडीएफ सामने आता है? देखिए, पीडीएफ, मैंने कहा कि पीडीएफ किसी की कृपा से नहीं बना हुआ, किसी संगठन की कृपा से नहीं बना पीडीएफ। पीडीएफ संघर्ष करके आया और स्वतंत्र विचारधाराओं को लेकर आया, और उनमें पीडीएफ में भी दिनेश धने छात्र जीवन से लेकर चल के आए, किसी दल का कभी उन पर कोई एहसान नहीं है। जिंदगी में जिस पे एहसान किया होगा दिनेश धने ने एहसान किया। यानी कि आप लोग मुख्यमंत्री और कांग्रेस आलाकमान से बात करेंगे, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे? देखिए, चुनाव सामने है, एडजस्टमेंट करेंगे तो बात तो करनी पड़ेगी। देखिए, चुनाव, मैंने कहा कि हम अब घर के मालिक से अगर हम बात करें, घर का चौकीदार कुछ कहे हमसे, तो हम, मुझे नहीं लगता कि हमको किसी चौकीदार से बात करनी चाहिए। हम घर के मालिक से बात करेंगे, और घर में अगर जाना है, घर के कुछ अगर समझौते होने, तो घर के मालिक से, जिम्मेदार लोगों से, केयर टेकर से हम बात कर सकते हैं। तो जब चुनाव आएगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टिकट बांटेंगे, उनसे आप लोग बातचीत करेंगे? क्योंकि अभी तो आप लोग सरकार में हैं, इंडिपेंडेंट सब लड़के आए थे, अभी आपको 2-3-4 महीने बाद चुनाव में जाना है। हरीश रावत से मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत करेंगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बातचीत करेंगे? या प्रदेश के अध्यक्षों की संगठन की जो गतिविधियाँ हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से दिल्ली पहुँचेंगे? देखिए, अगर हमको कांग्रेस संगठन से चुनाव लड़ना होगा तो हमारा टिकट किसी प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं, हमारा टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। वो देना चाहेंगी तो हम
उस पर विचार करेंगे, और अगर किसी दूसरे को पीडीएफ का टिकट चाहिए, पीडीएफ के नाम से कोई लड़ना चाहता तो उसको हम टिकट देंगे। कांग्रेस से आपको टीरी से टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, ये बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब चुनाव आएंगे उस समय निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि काल्पनिक और दूरगामी मैं समझता हूँ कि कोई निर्णय बहुत सफल नहीं हुए हैं। यही तो किशोर उपाध्याय का कहना है कि भाई अपनी स्थिति स्पष्ट करें, कांग्रेस से लड़ेंगे तो बताएं, तो टिहरी से अगर कांग्रेस आपको टिकट देगी तो आपको लड़ने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस की सरकार के साथ तो आप हैं ना? नहीं, ये हमको बाध्य करने वाला कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई शख्सियत भी नहीं है कि हमको कोई किसी विशेष एक निर्देश का हम पालन करें। हमने कहा मैं टिहरी से चुनाव लड़ूंगा, कैसे लड़ता हूँ, कहाँ से लड़ता हूँ और किस रूप में लड़ता हूँ ये समय बताएगा। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा पीडीएफ के हमारे साथी हैं, क्राइसिस के साथी हैं, वो हमारे साथ सरकार में साथ चुनाव में जाएंगे, इसका क्या मतलब है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनका हम सम्मान करते हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ ये, और जो हम लोग साथ रहे, नहीं तो जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान छुटवे नेताओं के आए हैं, मैं समझता हूँ कि कभी की सरकार चली जाती और हम लोग हरीश रावत जी और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो प्रति गठबंधन के प्रति जितनी गंभीर है उतनी गंभीरता पीडीएफ ने भी दिखाई है, और जितना हल्कापन छुटवे नेताओं के द्वारा दिखाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर ये हल्कापन पीडीएफ के लोगों को दिखाया जाता तो अब तक सरकार जा चुकी होती और किसी दूसरे दल की सरकार बन चुकी होती। किशोर उपाध्याय कांग्रेस के अध्यक्ष छुटवे नेता हैं, आप लोग इस तरह उन पर सीधा हमला करते हैं? देखिए, वो तो आदमी को अपनी जो आदमी का अपना दर्जा है वो तो आदमी को अपने कर्मों से दिखाना पड़ेगा और अपनी बातों से गंभीरता दिखानी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि अगर हमने उनसे कुछ बात कही है तो तब वो हमसे कह सकते हैं, कोई व्यक्ति जिनसे हमारी बात हुई। हम दो संगठनों को, दो पक्षों के बीच में जब समझौता हुआ है तो उस पक्ष में कहीं कोई ये जो व्यक्ति आज बात करे कोई कहीं बीच में थे नहीं। ये कहा जाता है कि टिहरी की राजनीति में दिनेश धने आज युवा है, एनर्जेटिक है, वो आगे की किशोर उपाध्याय की राजनीति को रोक सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए वो पहले ही इस मसले को समाधान के तौर पर ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि एक ज़माने में किशोर उपाध्याय और हरीश रावत में बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन अब वो सियासी अदावत में तब्दील हो गई बिकॉज दिनेश धने के चलते। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, राजनीति में कब मित्र हो जाए कोई, कब शत्रु हो जाए, ये हालातों पर निर्भर करता है और समय पर निर्भर करता है। कोई ना तो परमानेंट कोई मित्र है ना कोई परमानेंट शत्रु है। किशोर उपाध्याय आपके परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है, कहीं भी राजनीति में नहीं है। और जहाँ तक हरीश रावत जी का सवाल, हरीश रावत जी के साथ मैं 89 से उनके साथ रहा हूँ। बहुत से लोग जिनको आप हरीश रावत जी की नज़दीक कह रहे हैं, कहते हैं, ये कहीं नज़दीक नहीं थे। इन्होंने हरीश रावत जी के जो बहुत से नज़दीक लोग थे उनको बहुत दूर किया और आज खुद भी बहुत दूर हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर भी राजनीति में होता है। आप पिछले जितनी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक बार भी किशोर उपाध्याय का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं ले रहे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करूँ या अपमान करूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम एक स्वच्छ राजनीति करें और हम अपनी जिम्मेदारियों को अगर सही ढंग से निभा लें, मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दायित्व हमारा कोई हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से जो चर्चाएं दिल्ली से निकल के आएगी, कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि पीडीएफ के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आज जिस तरह की राजनीति बन गई है उत्तराखंड में, कांग्रेस के 10 लोग चले गए, 10-11 लोग चले गए हैं, आज उनको ज़रूरत है नेताओं की। वो पीडीएफ की वो सीटें हैं जहाँ से पीडीएफ के नेता जीत करके पिछली बार आए थे, जहाँ से उनकी मजबूती वहाँ पे है। ऐसे में अगर कांग्रेस आलाकमान या मुख्यमंत्री हरीश रावत चाहेंगे कि पीडीएफ के लोग किसी तरह कोई एसोसिएशन करके कांग्रेस के टिकट के जरिए चुनाव लड़ें, तो क्या उस वक्त उसको लेकर के आप लोगों ने विचार किया है? मैंने कहा उनसे हमारी बातें होती रही हैं और जब समय आ गया, मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग जो पीडीएफ के लोग इतना हवा खड़ा कर रहे हैं, मैंने कहा कि पीडीएफ 3-4 सीटों पर है और इस प्रदेश में 70 सीटें हैं। 70 में से अगर 4 सीटों को हटा लिया जाए और ध्यान बाकी 64 सीटों पर, अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी संगठन के, जिसके संगठन को अपनी सरकार बनानी, वो अगर 64 सीटों पर कम से कम गठबंधन जो सरकार में सम्मिलित दल हैं, मैं समझता हूँ कि वो अगर 64 सीटों पर ध्यान दें तो उनको किसी पीडीएफ के सदस्य की आवश्यकता नहीं हुई। मेरी आपके माध्यम से ये सलाह भी है उनको और राय भी है कि वो 64 सीटों पर ध्यान दें और अपनी सरकार बनाएं, और पीडीएफ को मैं समझता हूँ उनको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सवाल इसलिए भी उठता है कि लोग कहते हैं कि भाजपा भी चाहती है कि दिनेश धने उनकी तरफ आए। देखिए, परिस्थितियाँ आदमी को ले जाती हैं, क्योंकि जब सरकार 2012 में बनी थी, क्योंकि कुछ बातें सीधे मेरे मन में कुछ मेरे साथियों ने डाली थी और वही कारण था कि मैं कांग्रेस की ओर गया, वरना उस दिन भी मेरा मन दूसरे दल की तरफ आकर्षित था, क्योंकि मैं
जिस दल से और जिस दल के लोगों से आज बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही, मैं इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। और मैं इसलिए भी चाहता था कि चूंकि मैं जब से राजनीति में आया हूं केवल एक ही दल का सदस्य रहा हूं, छात्र जीवन से 89 से राजनीति कर रहा हूं और किसी भी दल में नहीं गया और आज भी किसी भी दल में नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन भी दल में जाऊँगा तो उस दिन ये निर्णय होगा कि बाकी के जो जीवन हैं, बाकी का जो राजनीतिक समय है वो उसी दल में बिताऊंगा, ये अपने मन में एक प्रतिज्ञा। ये आप पत्ते तब खोलेंगे जब आपको लगता है डर है कि कहीं किशोर उपाध्याय को अगर कांग्रेस टिकट देगा, आखिर वो प्रदेश के मुखिया हैं, संगठन के मुखिया हैं प्रदेश में, उनको अगर वो चाहेंगे तो कांग्रेस टिकट देगी, तो तब आप भाजपा का रास्ता विकल्प के तौर पे चुन सकते हैं। मैं कोई रास्ता नहीं चुन रहा हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से चुन के आया हूँ और मैं जब कुछ नहीं था मैंने तब भी चुनौती दी थी राष्ट्रीय दलों को और आज भी आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ। जिनको जिनको भय है वो रास्ता छोड़ दें और जिनको भय नहीं है वो चुनाव लड़े हैं जनता के बीच। मेरा चुनौती उन लोगों को कि जो जनता के हितैषी बनते हैं वो जनता के बीच में आए और चुनाव लड़ें। भाजपा में चर्चाएं हैं कि दिनेश धने को लेकर के लोग सोच तो रहे हैं। अब कौन क्या सोच रहा है मैं इस पर तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल जो मेरा ध्यान है केवल एक अपनी सीट पर है और अपने लोगों से है कि जो बातें मैंने अपने लोगों से चुनाव के वक्त की थी वो बातें कितनी पूरी हुई, कितनी सत्यता के पास है और कितनी सत्य से दूर है, इन सब बातों का समय है। मैं मंथन कर रहा हूँ और उनके साथ विचार विमर्श भी करूँगा कि आगे क्या करना है, तय उनको करना है। मैं तो जो भी जो टीम है वो जैसा निर्देशित करेगी मैं वैसे ही पालन करूँगा। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह से राजनीति बनी है, जिस तरह से कांग्रेस संगठन ने हमला किया है, कल को अगर आप कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ेंगे तो ये लोग तब भी रहेंगे, तो इस लिहाज से चर्चा है कि दिनेश धने के लिए भाजपा ज़्यादा मुफीद करेगी चुनाव में बनिस्पत कांग्रेस के। नहीं, मुझे कोई राजनीति दल अभी मुफीद नहीं है। मैं तो ज़्यादा चुनौती उनको मानता कि जो हम पे हमला कर रहे हैं और जो ज़्यादा हमलावर हैं वो मैं समझता हूँ कि वो केवल बयानवीर न बने बल्कि जनता के बीच में आए और जो जहाँ चुनौतियाँ उन चुनौतियों को स्वीकार करें। तो किशोर उपाध्याय जहाँ खड़े होंगे उनके सामने खड़े होंगे कहीं से? नहीं, ऐसा मेरा किसी को कोई ऐसा मेरा चुनौती नहीं। मेरी चुनौती केवल टीरी विधानसभा की जनता के साथ है, उनके साथ मैं खड़ा हूँ और उनके सामने जो भी चुनौती हूँ मैं चुनौती। किशोर उपाध्याय कांग्रेस से आएंगे टीरी में तो आप जाएंगे भाजपा के? जो भी आए मैं सबको चुनौती देता हूँ और सबको आमंत्रित भी करता हूँ टीरी में, क्योंकि मैं विधायक हूँ इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ और चुनौती इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जनता के साथ हूँ। लेकिन जिस तरह पूरी क्राइसिस हुई 18 मार्च को, उस दौरान भी काफ़ी ऑफर्स पीडीएफ के लोगों को भी आए थे, आप लोग मजबूती से तब सरकार के सहयोगी बने रहे, लेकिन जब चुनाव होगा तो सब इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप उस वक्त आप विचार करेंगे कि किस तरह से आगे की राजनीति, दिनेश धने इंडिपेंडेंट राजनीति करते आएंगे किसी राष्ट्रीय दल की दलीय राजनीति करेंगे? नहीं, अभी तो सवाल ये नहीं है कि दिनेश धने इंडिपेंडेंट आते कैसे आते, सवाल ये है कि जितने भी अब आगे इंडिपेंडेंट आएंगे क्या वो ऐसे दलों को समर्थन देना पसंद करेंगे कि जो सरकार बनाने के बाद जो उनको उनका उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न शुरू करेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो उनको जलील करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी स्वतंत्र उम्मीदवार चुनकर आएंगे वो इन बातों पर जरूर गौर करेंगे। किस तरह का चुनाव रहने वाला है? देखिए, इंडिपेंडेंट देखते हैं तो आप तो इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस और भाजपा के नजरिए से उनको किस तरह से देखते हैं, क्या समीकरण बनने वाला है? नहीं, मैं राजनीतिक पंडित नहीं हूं कि कोई भविष्यवाणी करूं। राजनेता तो है, मैं राजनेता हूं लेकिन राजनीति को गहरे से समझते हैं। मेरी भी इतनी सीमाएं नहीं है और मैं अपनी सीमाओं को भी जानता हूं, क्योंकि अगर हम अपनी सीमाओं को नहीं जानेंगे तो जनता हमारी सीमाएं बता देती है, हमारी जो हकीकत है, हमारा जितना वजन है वो जनता सब आंक लेती है। इसलिए क्योंकि अगर राजनेताओं की कहीं अगर कोई उनका जो इमेज में जो गिरावट आई है, उनकी जो प्रसिद्धि थी प्रसिद्धतम में या उनकी जो छवि में गिरावट आई, तो उसके लिए कोई और दोषी नहीं, उसके लिए राजनीतिक व्यक्ति दोषी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो गैर जिम्मेदार बात करते हैं। तो मैं इसके लिए अगर राजनीतिकों की आज छवि खराब हुई है तो उसके लिए राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत को कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल को लेकर के? देखिए, उनको तो जनता जितने नंबर देगी मैं उन जनता के साथ। नहीं, आपके मुख्यमंत्री, आपके कैबिनेट के मुखिया हैं, आपने विजय बहुगुणा का कार्यकाल भी देखा है, अब भी आप देख, हम उनको पूरा 100% नंबर देंगे। और लेकिन मैंने कहा कि जनता जितना उनको नंबर देगी, क्योंकि मैं उनका कैबिनेट का एक मंत्री हूँ, मैं तो उनको पूरे नंबर दूंगा, लेकिन हम सबसे बड़ी अगर कोई अदालत है, कोई एग्जामिनर है, कोई शिक्षक है, तो वो जनता है और समय है।
एक चीज़ कही जाती है कि शुरू में बीजेपी पीडीएफ को काफ़ी तवज्जो दे रही थी, लेकिन अब पीडीएफ को लेकर बीजेपी कहने लगी कि भाई सरकार के जो कांग्रेस के जो गलत क्रम हैं उन सब गलत कामों में पीडीएफ भी शामिल है, इसलिए पीडीएफ भी अब दूध का धुला नहीं है। देखिए, अब किसी को क्या जवाब दें, अब समय नहीं रहा कि किसी को हम जवाब दें। अब तो जवाब मैं समझता हूँ कि जनता को देना है और जनता को सवाल करना है, उस बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि जनता पूछेगी कि तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। ये सवाल राजनीतिक दलों का, जो मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में डाला जाता है, छोड़ा जाता है, ये उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाजपा 10 कांग्रेस के बागियों को आगे करके राजनीति कर रही है, भाजपा का कहना है कि ये विभीषण है और यही कांग्रेस की लंका को डहाएंगे, आपको लगता है कि ये 10 नेताओं के जाने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस संगठन इनको संभाल नहीं पाया समय रहते? नहीं, मुझे जो आप लगा, जो पहला सवाल आपने किया, मुझे लगता है कि ये सब जितने लोग गए अगर कांग्रेस में पापी थे तो पाप छोड़ के चले गए और दूसरी जगह जाके ये हरिश्चंद्र बन गए। मैं समझता हूँ कि ये जो राजनीतिक दल जिस ढंग से सवाल जवाब करते हैं उसका जवाब यही है। आपको लगता है इन 10 लोगों के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, भाजपा को ताकत नहीं मिलने वाली? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को ताकत नहीं मिलने वाली या किसी को कमजोर करने वाली नहीं, ये निश्चित तौर पर किसी को कमजोर करेगी तो किसी को ताकत देगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से दिनेश धने विभागी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो गौर करने वाली बात यही है कि किस तरह से पीडीएफ में और कांग्रेस में पिछले दिनों दो सियासी और जुबानी जंग चली, उसका नतीजा यह है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान लगातार दिनेश धने गाहे बगाहे इशारों में कांग्रेस के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर निशाना तो जरूर साधते रहे, लेकिन अपनी जुबान पर एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। बहरहाल, ये देवभूमि की सियासत है। नमस्कार।